गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा झकास होने वाली है। आपको पता होगा मेरे पास ट्रैक्सस की बहुत सारी कार्स है। आज ट्रैक्सस की एक नई कार की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइस। इसको बोलते हैं TRX 4 Mini, यानी कि मेरे पास जो बड़ी वाली डिफेंडर है ना उसका ये छोटा वाला वर्जन है। तो गाइस ये वर्जन बड़े वाले वर्जन से काफी ज्यादा कम प्राइस में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करके बहुत सारी कार्स के साथ मैं फाइट कराने वाला हूँ। देखते हैं क्या ये ट्रैक्सस डिफेंडर बड़ी वाली ट्रैक्सस डिफेंडर जितनी पावरफुल है भी या फिर नहीं। ये देख लो गाइस, ये रही बड़ी वाली डिफेंडर। आपको पता होगा ये कार काफी ज्यादा महंगी है, इसके ऊपर जब से मैंने मॉडिफिकेशंस करे ना इसका प्राइस और भी ज्यादा हो चुका है। इसीलिए गाइस मैंने ये वाली ट्रैक्सस डिफेंडर को खरीदा है। इसकी फाइट मैं आज कराने वाला हूँ जिम्नी के साथ, थार के साथ और US मिलिट्री की जीप के साथ। देखते हैं गाइस क्या इन सबसे ट्रैक्सस डिफेंडर पावरफुल है भी या फिर नहीं। चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लैंड रोवर की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे डिफेंडर बोल के दिया गया है। यहाँ पे देखो इसके अंदर कौन से पार्ट्स यूज किए गए उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कितने कलर्स अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ग्रीन कलर में, तो भाई एकदम कमाल की लग रही है। तो फटाफट से एक बार बॉक्स के अंदर से इसको निकाल के देख लेते हैं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ओ माय गॉड देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा क्यूट, कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है अपनी मिनी डिफेंडर। बाकी इसकी जो पैकिंग है मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है। अगर आपको याद होगा तो गाइस बड़ी वाली डिफेंडर के साथ देखो बैटरी भी नहीं मिलती है ना तो चार्जर मिलता है, पर इसके साथ यहाँ पे बैटरी दी गई है। ओ माय गॉड गाइस मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ये देखो यार जितनी छोटी कार है उसके हिसाब से ये बैटरी इसके साथ दी गई है। ये है ट्रैक्सस की पावर सेल वाली बैटरी, 2 सेल लाइपो बैटरी इसके अंदर दी गई है 750 mAh की। तो इसके साथ चार्जर भी मिलता है, चार्जर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो काफी बढ़िया चीज कर रखी है यार ट्रैक्सस वालों ने, देखो चार्जर भी यहाँ पे दे दिया है भाई इसके साथ। तो अब मैं ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, जैसे की ये वाले डिफेंडर के अंदर रिमोट मिला था बिल्कुल उसी तरह का रिमोट है, पर थोड़े से चेंजेस इसके अंदर किए गए। जैसे की देखो इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक्स नहीं मिलते, इस वजह से यहाँ पे आपको डिफ लॉक नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक नॉब होता है, बड़ी वाली डिफेंडर के अंदर 2-2 नॉब्स देखने को मिलते थे, बाकी रिमोट वही है पूरा का पूरा। अब निकालते हैं हमारी मिनी डिफेंडर को। ओ माय गॉड गाइस देख रहे हो कितनी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही है मिनी डिफेंडर, लुक काफी ज्यादा कमाल का यार, बिल्कुल रियल डिफेंडर कार जैसी दिखाई दे रही है। बड़ी वाली डिफेंडर के अंदर मैंने सामने विंच लगाया था, इसके अंदर भी शायद विंच आता होगा यार मेरे को पता नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे भी मैं जरूर से इसके ऊपर विंच फिट कर दूंगा। डिफेंडर की ब्रांडिंग दी गई है, इस तरह के हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के लाइट्स भी दिए गए, शायद ये इंडिकेटर्स होंगे। अब एक चीज मेरे को देखना है गाइस क्या ये हेडलाइट्स इसके अंदर काम भी करते हैं या फिर नहीं। क्लियर विंडशील्ड देखने को मिल जाती है आपको, साइड मिरर्स भी इसके अंदर एकदम क्लियर देखने को मिल जाते हैं। ये इसके साइड मिरर्स है, ऊपर की तरफ देखो कैरियर भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कैरियर दिया गया है, पर ये जो मैश है मैंने इसके ऊपर अलग से लगाया था, पर इसके ऊपर मैश मैंने अभी तक नहीं लगाया गया। आने वाले दिनों में मैं इसको भी जरूर से अपग्रेड कर दूंगा। पीछे की तरफ यहाँ पे एक डम्मी व्हील देखने को मिलता है, पर बड़ी वाली डिफेंडर के अंदर रियल वाला व्हील इधर दिया गया था। फ्यूल टैंक्स है, यहाँ पे इसके वेपन्स वगैरह दिए गए। बाकी सस्पेंशन की बात करूं तो ओ माय गॉड काफी ज्यादा स्मूथ सस्पेंशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये कार भी कम्प्लीटली 4-व्हील ड्राइव है, नीचे का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो काफी ज्यादा मजबूत ये लग रही है मेरे को। अगर मैं डिफेंडर को जिम्नी से कंपेयर करके बताऊं तो देखो गाइस जिम्नी डिफेंडर के मुकाबले में बड़े साइज की लग रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं जीप के साथ, जीप के सामने भी देखो यार अपनी डिफेंडर काफी ज्यादा छोटी लग रही है। मेरे को पूरा भरोसा है गाइस ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रैक्सस की कार्स कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। अब देखो थार के साथ मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं तो गाइस थार से भी यार डिफेंडर थोड़ी सी छोटी मेरे को लग रही है, थार काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रही है इसके सामने। एक चीज और बता देता हूं गाइस, ये सभी तीन कार से ये डिफेंडर काफी ज्यादा महंगी है भाई साहब। अगर मैं बड़ी डिफेंडर के साइड में देखो मिनी डिफेंडर रखता हूं तो भाई साहब ये पहाड़ लग रही है और ये चीटी लग रही है। इसके व्हील के बराबर देखो ये पूरी की पूरी कार मेरे को लग रही है। बाकी डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, मजबूती बिल्कुल सेम टू सेम है, व्हील्स बिल्कुल सेम टू सेम है, बस पीछे से ये कार एकदम खतरनाक सी दिखाई देती है और काफी ज्यादा बल्कि भी दिखाई देती है, क्योंकि पीछे की तरफ मैंने इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करे हैं। जैसे कि देखो पीछे हुक है, यहाँ पे शावल भी मैंने दे दिया है, फ्यूल टैंक्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है। चलो गाइस अब कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं क्या डिफेंडर आज इन सभी को हरा पाएगी या फिर नहीं।
अब ये बड़ी वाली लैंड रोवर के ऊपर मैंने मिनी लैंड रोवर को रख दिया है। अब धीरे धीरे करके इसको नीचे उतारते हैं। ये देखो गाइस काफी आराम से ये नीचे उतर के आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो काफी बड़ी बड़ी घास है, इसके अंदर एक बार मिनी लैंड रोवर को चला के देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। काफी आराम से चल रही है, मेरे को लगा था कि गाइस ये इसके अंदर फंस जाएगी, पर इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी है। इसके अंदर भी फोर व्हील ड्राइव दिया गया है बड़ी वाली लैंड रोवर की। जैसे यहाँ पे देखो एक काफी ज्यादा खड़ी पहाड़ी है। अब देखते हैं क्या इसके ऊपर लैंड रोवर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। इसके लिए तो ये काफी ज्यादा इजी था यार, देखो कितनी आराम से इतनी ऊपर भी ये चढ़ चुकी है। पे भी देखो मैं आपको चला के बता देता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां यार, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अमेजिंग मेरे को लगी है। तो अभी इसको चलाते चलाते एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब इसके ऊपर इसको चढ़ा के देखते हैं। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कार्स भी फेल हो जाती है, देखो एकदम 70 डिग्री की क्लाइंबिंग है। यहाँ पर ये पहले तो थोड़ा फिसल रही थी, पर अब इसको काफी आराम से ट्रैक्शन मिल चुका है और ये बहुत इजिली इतनी ऊपर भी चढ़ चुकी है। अब इसको नीचे भी उतार के देखते हैं गाइस। पहले देखो इसके अंदर एक कमाल की चीज दी गई है, वो आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर डिप लॉक नहीं दिया गया है, फिर भी देखो गाइस ये कार भाई साहब पूरा स्लोप के ऊपर इस तरीके से रुकी हुई है। यहाँ से मैं इसको नीचे उतार नहीं वाला था, धड़ाम से ये नीचे पलट के आ चुकी है। अब ये व्हीलिस जीप की परफॉर्मेंस देखते हैं गाइस, क्या ये 70 डिग्री की क्लाइंबिंग कर पाएगी या फिर नहीं। मैं इसको चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इसके व्हील्स को बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल रही थी। ये क्या हो गया गाइस, ये तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही यार। डिफेंडर तो काफी बढ़िया तरीके से चल रही थी। थार के साथ भी सेम टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या ये डिफेंडर जैसी ऊपर क्लाइंबिंग कर पाएगी या फिर नहीं। चलो ओके, अब थार को धीरे धीरे से ऊपर चढ़ाएंगे। सामने के व्हील्स तो काफी आराम से चढ़ गए थे। ये क्या हो गया यार गाइस, थार तो यहाँ पे पलट गई थी। एक और बार कोशिश करते हैं, देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट में चढ़ पाएगी या फिर नहीं। इस बार भी ये पलट गई भाई, दूसरी बार भी ये पलट गई यार। थार की जो व्हील्स है इसके ऊपर ज्यादा ग्रिप देखने को नहीं मिल रही है और इसकी व्हील्स भी थोड़े से हार्ड है, इस वजह से ये क्लाइम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी जैसे कि डिफेंडर ने अभी अभी करा था। अब सेम टेस्ट जिमनी के साथ भी करके देखते हैं। जिमनी का सामने का बम्पर पत्थर से टकरा रहा था, थोड़ा सा टर्न करके जब मैंने इसको ऊपर चढ़ाया तो इसकी परफॉर्मेंस देखकर मैं कंप्लीटली शॉक हो चुका हूँ। काफी आराम से ऊपर भी चढ़ गई थी और फटाफट तरीके से नीचे भी उतर के आ चुकी है। इसकी परफॉर्मेंस तो यार डिफेंडर से भी काफी बढ़िया मेरे को लग रही है। सच बताऊं तो गाइस जिमनी डिफेंडर से भी काफी पावरफुल मेरे को लगी। तो अब मैं ऑफ रोड में रेस कराने वाला हूँ। जिमनी वर्सेस डिफेंडर के बीच में काफी खतरनाक सा टेरेन है, देखते हैं इन दोनों में से आज कौन जीतता है। यहाँ पे क्लाइंबिंग के मामले में तो जिमनी मेरे को एक नंबर लगी। अब देखते हैं गाइस क्या जिमनी ऑफ रोड रेस में डिफेंडर को हरा पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे डिफेंडर की स्पीड बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, देखो जितनी बड़ी बड़ी झाड़ियां होने के बावजूद भी एकदम सही स्पीड से ये चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जिमनी की स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी देखो जिमनी इसके आसपास आ चुकी थी, पर जिमनी यहाँ पर फंस चुकी है। देखो गाइस जिमनी आकर यहाँ पर फंस गई थी, तो इसको थोड़ा हटा के रखते हैं। डिफेंडर अभी भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है यार। डिफेंडर मिट्टी में जितनी स्पीड से चल रही थी ना, ग्रास में भी उतनी स्पीड से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिमनी की स्पीड जो है ग्रास में थोड़ी सी कम मेरे को लग रही थी। जिमनी और डिफेंडर के बीच में जो रेस थी वो डिफेंडर काफी आराम से जीत गई थी। आप देखते हैं गाइस क्या डिफेंडर अपनी थार को भी रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो गाइस ये लो गाइस दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं महिंद्रा थार पावरफुल है या फिर डिफेंडर पावरफुल है। क्लियरली यहाँ पे डिफेंडर थोड़ा सा आगे निकल गई थी, पर थार ने इसको काफी आराम से ओवरटेक कर दिया था। अब डिफेंडर इसके पीछे लगी हुई है और डिफेंडर ने वापस से थार को ओवरटेक कर लिया है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। मिट्टी में देखो इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है। अब इन दोनों को चलाते चलाते मैं काफी बड़ी बड़ी घास के अंदर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे भी डिफेंडर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही यार, देखो इसकी स्पीड बिल्कुल कॉन्स्टेंट है और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी ये एकदम परफेक्टली चल रही है। वहीं दूसरी तरफ थार के अंदर कुछ तो दिक्कत आ चुकी है, ये बिल्कुल भी चल नहीं रही यार। ओ भाई साहब इसका देखो यार सामने का शाफ्ट का कनेक्शन यहाँ से टूट चुका है यार। ये रोड पे तो काफी अच्छे तरीके से चलती थी, जैसे ही मैं इसको झाड़ियों में लेके आया हूँ इसका काम तमाम हो चुका है। डिफेंडर अभी भी एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रही है। फिर मैंने मिनी डिफेंडर की रेस व्हीलिस जीप के साथ भी करा के देखा गाइस, यहाँ पे भी डिफेंडर ने बहुत आराम से और काफी ज्यादा डिस्टेंस से व्हीलिस जीप को हरा दिया था रेस में। अब गाइस देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। आमने सामने वाली फाइट कराएंगे डिफेंडर वर्सेस जीप के बीच में। देखो गाइस बहुत ही खतरनाक सी टक्कर हुई है। यहाँ पे डिफेंडर ने व्हीलिस जीप को उठा लिया है सामने की तरफ से और डिफेंडर ने पटक भी दिया है व्हीलिस जीप को। मेरे को लगा था गाइस ये इतनी बड़ी व्हीलिस जीप हरा देगी डिफेंडर को, पर यहाँ पे सीन पूरी तरीके से पलट चुका है। अब जिमनी की फाइट होगी डिफेंडर के साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। देखो गाइस बहुत दूर से दोनों को मैंने टकरा दिया, यहाँ पे जिमनी ने
उठा के फेंक दिया है डिफेंडर को। जिमनी बहुत ज्यादा पावरफुल है डिफेंडर के मुकाबले में। अब कराते हैं इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर। यहाँ पे जिमनी का पीछे का डोर कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी गाइस देखो एकदम खतरनाक सी फाइट इन दोनों के बीच में चलने लग रही थी, उतने में ही जिमनी ने डिफेंडर को अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। डिफेंडर यहाँ पे ब्रेक्स लगा के पूरी कोशिश कर रही है रोकने के लिए, पर जिमनी ने इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से घसीट लिया अपनी तरफ। ओह माय गॉड गाइस, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डिफेंडर को जिमनी हरा देगी। यार जिमनी डिफेंडर से बहुत ज्यादा पावरफुल निकली। अब होगी एकदम खतरनाक वाली रेस जिमनी की थार के साथ। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के डोर्स एकदम झटके से ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे देखो यार सीन पलटने लगा है पूरी तरीके से। थार ने धीरे धीरे जिमनी को अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया है। आप देखो गाइस इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियरली यहाँ पे थार ने जिमनी को हरा दिया है टग ऑफ वॉर में। फिर गाइस ये सभी कार्स को मैंने पानी में भी चला के देखा है, खास तौर पे डिफेंडर को। जैसे बड़ी डिफेंडर पानी में कीचड़ में चल सकती है, वैसे ही छोटी डिफेंडर बहुत आराम से इतने ज्यादा पानी और कीचड़ में भी चल रही थी। इसके परफॉर्मेंस से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको डिफेंडर अच्छी लगी, थार अच्छी लगी या फिर जिमनी अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है रोहित, सुकुमार, सुशांत रॉय, मोहित, तन्मय, सुनील, नवीन, सुमन, गुरबख्श, भावेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।